Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. क्या हो कि अगर आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो जाए, कौन जीतेगा? ये तस्वीर अक्सर आपको सर्वे बताते हैं। ये बताते हैं कि आज चुनाव हो तो कौन सी पार्टी आगे होगी, कौन सी पार्टी पीछे होगी। लेकिन हम आपको तस्वीर जरा बताएंगे, लेकिन तस्वीर के लिए जो जरूरी डेटा है वो हमने लिया है लोकसभा चुनाव से। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें 43 पर इंडिया गठबंधन आगे रहा। समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही। लेकिन जब इन 80 लोकसभा की विधानसभाओं में आप जाते हैं तो तस्वीर बड़ी दिलचस्प नजर आती है। ऐसी तस्वीर कि आखिर वहां पर क्या, जो विधानसभा में अगर यही लोकसभा के चुनाव विधानसभा में बदल दिए जाए तो कौन चुनाव जीतेगा, और ये जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। जी हाँ, हमने सभी विधानसभाओं से जानकारी इकट्ठा की कि आखिर किस विधानसभा में कौन आगे है, किसने लोकसभा के चुनाव में विधानसभा में बढ़त बनाई। यानी कि लोकसभा के चुनाव जब हुए, मान लीजिए कि मैं आपको बताऊं कि जौनपुर में चुनाव हुआ, तो जौनपुर की विधानसभा मलहनी, यहां पर सपा आगे रही या बीजेपी आगे रही, ये सारी बात जानकारी हमने इकट्ठा की। और इस इकट्ठा जानकारी के मुताबिक अगर लोकसभा चुनाव के परिणाम को विधानसभा चुनाव में परिवर्तित किए जाएं, तो इंडिया गठबंधन यानी कि अखिलेश यादव के गठबंधन को आज के समय में 224 सीटें मिल सकती हैं। जी हाँ, लोकसभा चुनाव अगर एकदम विधानसभा में परिवर्तित होते हैं तो 224 सीटों पर सीधी बढ़त समाजवादी पार्टी को दिख रही है। और इंडिया गठबंधन यानी कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में, उसको 174 सीटें दिखती हैं, जबकि आजाद समाज पार्टी के खाते में भी 5 सीटें दिख रही हैं। इसकी वजह यह है कि नगीना की 5 सीटों पर, विधानसभा की 5 सीटों पर इस बार जो है आजाद समाज पार्टी आगे रही। आजाद समाज पार्टी कांसीराम, पूरा नाम है चंद्रशेखर आजाद, इस बार सांसद चुने गए। बसपा 0, जी हाँ, इकलौती रसड़ा में भी बीच जो बसपा है वो पीछे रही है। उस विधानसभा में सपा ने जीत हासिल की है, बसपा किसी विधानसभा में आगे नहीं रही। ये आज की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। अब रही बात कि भाई साहब 224 से सरकार बनती कि नहीं बनती है, तो भी हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं और 202 पर होता है बहुमत। ऐसे में 224 सीटें जो हैं वो बहुमत की तरफ ले जा रही हैं। यानी कि अगर लोकसभा के चुनाव को विधानसभा चुनाव में परिवर्तित किया जाए तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। ये तस्वीर है। अगर हम बात करें कि 2022 में और आज की तस्वीर में क्या अंतर है, 2022 के चुनाव में इंडिया गठबंधन के पास सिर्फ 105 सीटें नजर आ रही, जिसमें समाजवादी पार्टी के अपने 103 विधायक और 2 जो है वो कांग्रेस के, हालांकि इसमें बहुत सारे बागी भी हैं, आपको पता होगा। और वहीं अगर एनडीए की बात करें तो उसके पास 281 सीटें। तो कुल मिलाकर यह भी एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर है कि लोकसभा चुनाव में विधानसभा के हिसाब से एनडीए 281 से घटकर 174 पार गया आ गया है और इंडिया 105 से बढ़कर 224 सीटों पर पहुंच गया है। तो ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर नजर आई है। अब इसको लेकर एक चर्चा की जा रही है, क्या 2027 में ये चुनाव परिणाम ऐसे ही जाएंगे? दरअसल ये बहुत सारे फैक्ट पर निर्भर करता है। जी हाँ, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बहुत सारी चीज़ें अंतर होती हैं। क्योंकि अगर आप देखिए कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ दिल्ली में, तो 7 की 7 सीटों पर बीजेपी जीत गई पिछली बार 2019 में। उसके अगले साल ही जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। तो ये तस्वीर आपको बदलती भी नजर आ सकती है। ऐसा कई बार हुआ है, कई जगह लोकसभा के परिणाम अलग होते हैं, विधानसभा के परिणाम बिल्कुल उसके विपरीत भी जाते हैं। हालांकि ये एक इशारा कर रहा है कि एक बीजेपी के खिलाफ लहर उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। और आपको बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव 105 सीटों तक पहुंच चुके हैं और उन्होंने इस विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव में लगभग अपने वोट परसेंट को, गठबंधन की वोट परसेंट को 39 से खींचकर 44 पर पहुंचा दिया है और वो बीजेपी के बराबर हो गए हैं। तो अगर ऐसा चुनाव होता है तो विधानसभा वाइज काफ़ी तस्वीरें बदल सकती हैं। हालांकि मुद्दे अलग हो सकते हैं, जैसे कि अभी जो मुद्दा रहा उसमें कहा गया कि बेरोजगारी मुद्दा रहा, पेपर लीक जो अभी भी बड़ी चर्चा में है क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जाम कैंसिल किया गया, यूपी पुलिस की स्थिति आपको पता ही है। तो पेपर लीक एक मुद्दा रहा, अखिलेश यादव की छवि एक मुद्दा रहा, लेकिन एक
प्लस पॉइंट जो सपा के लिए यहां पर होगा कि अखिलेश यादव यहां पर सीधे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, तो वोट का पोलराइजेशन उनके पक्ष में हो सकता है। जो नाराजगी प्रत्याशियों के खिलाफ इस लोकसभा चुनाव में थी, उसका क्या असर होगा 2027 के चुनाव में, ये भी देखना होगा। कितने सीट रिपीट होंगे, बहुत सारे फैक्टर, बड़ा लंबा समय, लेकिन आज की परिस्थिति में जो आंकड़ा है वो 224 सीटों का है और बीजेपी इसे हल्के में तो नहीं ले सकती। तो फिलहाल आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।